हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जय हिंद साथियों। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक नए अपडेट के साथ हम आए हैं और अपडेट ऐसा है कि आपको TRE 4 का जो है एग्ज़ाम आपको और भी डिले देखने को मिल सकता है, क्योंकि बिहार में जो है एक नया अपडेट के साथ मैं इस वीडियो में आया हूं। अपडेट यह है कि बिहार जो है टेट जो है फिर से आपको सभी को सामने देखने को मिलेगा 2025। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार टेट को लेकर के, ठीक है। देखिए, बिहार टेट 2025 को लेकर के बात करेंगे। अब क्या है कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक और 6 से लेकर के 8 तक दोनों खंडों के लिए जो है बी टेट होना अनिवार्य कर दिया गया है, और इसका आयोजन भी जो है बहुत जल्द लेने के लिए जो है इस पर जो है काफ़ी मंथन चल रहा है। साथ ही बिहार टेट के बाद जो है TRE 4 देखने को मिलेगा। अब जब तक बिहार टेट नहीं होगा तो TRE 4 आपको जो है ऐसे ही लग रहा है कि ऑटोमेटिक ऐसे लग रहा है कि आपको जो है TRE 4 और भी डिले देखने को मिल सकता है ऐसा। हालांकि अभी सीटेट की तरफ से कोई अभी जो है अपडेट प्रक्रिया नहीं मिला है कि इसको लेकर के क्या आयोजन करना चाहिए या फिर या क्या नहीं, तो अभी इसमें बाकी है। लेकिन अभी जो आप लोगों के सामने मैं एक मध्य विद्यालय में जो है 26,000 कंप्यूटर शिक्षक की होनी है बहाली, यानी कि जिसमें कि BTET 6 to 8 पास होना अनिवार्य कर दिया है। यानी कि अगर आप 26,000 बहाली के अंतर्गत आना चाहते हैं उसके लिए आपको BTET क्वालिफाई या पास होना अनिवार्य कर दिया गया है, जो कि 26,000 जो है बहाली आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। 26,000 बहाली देखने को मिल सकता है, ये नोटिस आज निकल के आ रही है। और साथ ही साथ जो है आपका एग्ज़ाम में TRE 4 में एग्ज़ाम में जो है डेली देखने को मिल रहा है, और भी लगता है कि जो है इस पर समय लग सकता है। जब तक BTET ना हो तब तक TRE 4 अब मुश्किल सा लग रहा है, ऐसा नहीं है, अब वैसे भी बिहार सरकार है, कुछ भी हो सकता है पॉसिबल। फिलहाल हम लोग वेट करेंगे अभी ऑफिशियल नोटिस आने का, ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन आने का, इसके बाद ही इस पर कुछ जो है प्रक्रिया हम बताएंगे आप लोगों को वीडियो के माध्यम से। लेकिन जो है 26,000 बहाली आप लोगों को बहुत जल्द जो है देखने को मिल सकता है, उसमें भी क्या कंप्यूटर शिक्षक की, ठीक है। 26,000 बहाली आप लोगों के बीच जो है बहुत जल्द आने वाला है। इस वीडियो में इतना ही, चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।